बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फिट एंड फाइन? वेरी गुड. ओके, तो मुझे बताएंगे स्टोरी सुनना किस किस को पसंद है. डू यू लाइक टू लिसन स्टोरीज? इंटरेस्टिंग स्टोरीज? वेरी गुड. मुझे भी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, सुनना और सुनाना. तो चलिए, मेरी एक फेवरेट स्टोरी है जो मैंने पढ़ी है, वो स्टोरी मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारी क्लास वन की इंग्लिश की बुक से, द बबल, द स्ट्रो एंड द शू. सो आर यू रेडी टू लिसन स्टोरी? ओके, तो इस स्टोरी में एक और बात है कि इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लोट करती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो सिंक कर जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो तैरती है पानी में, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाती है. तो आप जानने के लिए रेडी है? अगर आप जानने के लिए रेडी है तो बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ और पढ़ते हैं अपनी स्टोरी को. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ. इफ यू आर रेडी देन कम विद मी. सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज द बबल, द स्ट्रो एंड द शू. ओके, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस विद द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. देर आर थ्री कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. फर्स्ट इज द बबल. बबल, बी यू डबल बी एल ई, बबल. नेक्स्ट इज स्ट्रो. स्ट्रो आप सबको पता है, दिस इज स्ट्रो, एस टी आर ए डब्ल्यू, स्ट्रो. ओके, एंड द थर्ड वन इज शू. दिस इज शू. ठीक है, ये हमारा शू, एच एस एच ओ ई, शू. ओके, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड थ्री फ्रेंड्स, द बबल, द स्ट्रो एंड द शू. द बबल, द स्ट्रो एंड द शू. वन डे दे वेंट इन टू अ फॉरेस्ट. वो कहाँ पे जाते हैं? दे वेंट इन टू अ फॉरेस्ट. वो एक जंगल में जाते हैं. फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल. बबल, शू एंड स्ट्रो, दे वेंट टूगेदर इन अ फॉरेस्ट. वो क्या जाते, कहाँ जाते हैं? फॉरेस्ट में जाते हैं. ये तीनों जाते हैं फॉरेस्ट में. एंड दे केम टू अ रिवर. उनको रास्ते में एक रिवर दिखाई देती है. ये देख सकते हैं बच्चे, ठीक है, उनको रास्ते में क्या दिखाई देती है? रिवर. और रिवर में क्या होता है? बहुत सारा वॉटर. तो रिवर में क्या था? बहुत सारा पानी था. एंड डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे हाउ टू क्रॉस दिस रिवर, इस रिवर को कैसे क्रॉस करें. फिर क्या हुआ? जो शू था, ये वाला शू है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आगे आया और उसने कहा, द शू सेड, बबल, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. वो बबल को बोलता है, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, कि क्या करो, हम आपके ऊपर फ्लोट करके इस रिवर को क्रॉस कर लेते हैं. ठीक है, ये किसने कहा? ये शू ने कहा. किसको कहा? बबल को कहा. ठीक है, बबल को कहा, लेट अस फ्लोट ऑन यू, हम तुम पे फ्लोट करके चले जाते हैं. ठीक है, लेकिन बबल ने कहा, नो नो, लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ. उसने एक आइडिया दिया, लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अनदर बैंक ऑफ द रिवर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर. अगर स्ट्रो खुद को स्ट्रेच कर लेती है एक बैंक से दूसरे बैंक पर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद खुद क्रॉस कर सकते हैं. ऐसे हम उसके ऊपर से क्रॉस कर चले जाएंगे. तो स्ट्रो तो उनकी फ्रेंड थी. उसने क्या किया? उसने खुद को स्ट्रेच किया एक रिवर, एक बैंक से दूसरे बैंक तक. ठीक है, ये हमारी रिवर है और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्ट्रो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच. एंड when the shoe jumped on the straw, उसने जब स्ट्रो पर जंप किया, इट ब्रोक. वो क्या हो गई? ब्रोक हो गई. वो क्या हो गई? स्ट्रो ब्रोक हो गई. ठीक है, हमारी स्ट्रो ब्रोक हो गई. और जो शू था वो क्या है? पानी में डूब गया. विद अ लाउड स्प्लैश. स्प्लैश क्या होता है बच्चे? जब भी कोई पानी चीज पानी में जाती है तो ऐसे छपाक की जो आवाज करती है. ठीक है, विद अ लाउड स्प्लैश. और फिर क्या हुआ? जो बबल था वो दूर से देख रहा था. ये बबल है, ये बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर. वो क्या हुआ? जोर जोर से हंसा, हा 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 हा. और वो इतनी जोर से हंसा कि क्या हुआ? द बबल ब्रस्ट विद अ बिग बैंग. ठीक है, बबल क्या हो गया? ब्रस्ट, फट गया विद अ बिग बैंग.
तो हमारे थ्री कैरेक्टर्स थे उनके साथ क्या हुआ, फर्स्ट था हमारा स्ट्रो जो टूट गई, टूटकर नदी में गिर गई। नेक्स्ट था हमारा शूज जो पानी में गिर गया विद अ लाउड स्प्लैश, और जो हमारा बबल था वो क्या हो गया, ब्रश्ड हो गया विद अ बिग बैंग। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ